सीक्रेट है गाइस, मतलब इसको ऑफिशियली नहीं बोला जा सकता, लेकिन गाइस उसके बाद आप देखना आपका जो फाइवर अकाउंट है वो शूट हो जाएगा। देखो मेरा काम बन गया, देखो मेरा काम तो बन गया। अब मैं एक काम करता हूँ गाइस, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको आज तक पूरे YouTube कम्युनिटी में आप देखोगे कि इस टाइप का आपको फाइवर में किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं की होगी। गाइज स्वागत है आपका एक और प्रैक्टिकल वीडियो में, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। गाइज जब बात आती है ऑनलाइन अर्निंग की, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी ना ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ जिसके अंदर आपको सिर्फ टेम्प्ररी एक ट्रिक बता के कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए आपको कोई एक इनकम सोर्स मिल जाए, ऐसा टाइप का कोई वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। आपको मेरे वीडियो सिर्फ तभी देखने चाहिए जब आप एक प्रॉपर ऑनलाइन आके बिजनेस सेटअप करने का या बिजनेस की तरीके से लॉन्ग रन में कुछ करने का अगर आपका मन में विचार रहता है तो ही आप मेरे वीडियोस देखा करें, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ना सारी वही चीज बताता हूँ जो कि एक लॉन्ग टर्म ऑनलाइन बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से होता है। और आज का सेशन भी, आज का ये पूरा वीडियो भी उसी पर आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन बहुत अच्छा खासा अपने स्किल को यूज करके अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। आज मैं बात करूंगा इस वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग वेबसाइट की फाइवर के बारे में। फाइवर से रिलेटेड आज इस सेशन के अंदर बहुत धमाकेदार तरीके से चीजों को रिवील करने वाला हूं। इस वीडियो के चार लेवल्स होने वाले हैं और वो चार ही धमाकेदार होंगे, और वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, 1.5x की स्पीड से भले ही देख लेना, लेकिन देखना पूरा, क्योंकि मैं आपको आज एक लॉन्ग टर्म बिजनेस आपकी लाइफ का बनाने में हेल्प करूंगा। सो गाइस फाइवर में काम करने के तरीके जो है वो ये है कुछ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई स्किल है, आप जाओ और फाइवर में अपने स्किल को प्रमोट करना शुरू कर दो, मतलब उसके ऊपर गिग्स बना लो। ओके, अब यहां पर एक चैलेंज है। चैलेंज ये है, क्या पता आपके पास जो स्किल है उसकी मार्केट में डिमांड ना हो, तो ये एक तरीका है कि आप फाइवर में जाके अपना काम शुरू कर सकते हो। सेकेंड तरीका, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप फाइवर में जाओ और सर्च करो कि वहां पर इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो स्किल है जिसकी डिमांड है वो क्या है। उस केस में क्या होगा, आपको उस स्किल को सीखना है और फिर उस स्किल के ऊपर अपना फ्रीलांसिंग जो सर्विसेज हैं वो देना स्टार्ट करना है। बट यहाँ पर भी एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि अगर जो बिजनेस जो स्किल सबसे ज्यादा वहां पर चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग होगा और हो सकता है कि आपकी बारी आए ही ना, आपके गिग्स की बारी, मतलब आपको वहां पर कोई हायर ही नहीं कर रहा है, ये होता है। तो इसका तोड़ क्या है गाइस, इसका तोड़ आज मैं इस सेशन के अंदर देने वाला हूं। थर्ड वे, आप अगर सीख जाओगे, अगर इस प्रोसेस को अपना लोगे, तो आप फाइवर में बहुत कामयाब हो जाओगे, और आज का सेशन उसी पे पूरा डिपेंड है। तो अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि मैं ऑनलाइन के परमानेंट बिजनेस सॉल्यूशन जो है यहां पर आपको इस चैनल पे देता रहता हूं, इंक्लूडिंग एफिलिएट मार्केटिंग। जो थर्ड तरीका है ना वो ये है गाइस, ध्यान से सुनना और इसको आजमाने की पूरी कोशिश करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प भी करूंगा इसी वीडियो के अंदर। वो है कि आप सबसे पहले फाइवर में जाओ और ढूंढो कि लो कंपटीशन स्किल्स कौन से हैं और उसको आप सीख लो, और उसके बाद उस स्किल को वहीं पर ही प्रमोट करना शुरू कर दो, उसके गिग्स बना दो, और फिर आपको हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लो कॉम्पिटिशन उसका है और आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, जिससे आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आपका जो अकाउंट है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो आप डेफिनेटली उसके बाद तो जितने भी गिग्स बनाते हो ना उसके फायदे आपको मिल सकते हैं। तो ये है वो थर्ड तरीका, एक हाइब्रिड तरीका, ना फर्स्ट वाला चूज किया ना सेकेंड वाला चूज किया, हाइब्रिड तरीका कि लो कॉम्पिटिशन एक गिग ढूंढेंगे और उसके बाद हम उस चीज को किस तरीके से सीखा जाए उसको सीखेंगे, और सीखने के बाद आप उस पे काम स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आज मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, सब कुछ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा। फिर से अपील करूंगा कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है बेल आइकन के साथ। सो गाइस मैं आ गया हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को देख पा रहे हैं। यहां पर हमें जाना है फाइवर पे। ओके, सो लेट्स गो टू द फाइवर। आप सबको पता है बहुत बड़ी साइट है, आई एम सीरियसली सेइंग कि अगर आपको इसमें काम मिलना स्टार्ट हो जाए तो यू विल बी लाइक अमीर कैसे जाओगे, लेट मी हेल्प यू। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि fiverr.com जो है इतनी बड़ी साइट है, यू कैन सी दैट कि इसमें ऑलमोस्ट हर महीने 60 मिलियन का ट्रैफिक है, 6 करोड़ का ट्रैफिक है, और अगर सच कहूं तो मैक्सिमम यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद पाकिस्तान फिर इंडिया। तो पाकिस्तान से इतने लोग एक्टिव हैं, दैट इज़ रियली अ गुड थिंग कि वहां से लोग सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बाद इंडिया। तो इसका मतलब जो इसमें मैक्सिमम जो लोग आते होंगे ना अपना फ्रीलांसिंग वर्क देने के लिए वो अमेरिकन्स हैं। ये जो पाकिस्तान से ट्रैफिक है ना, दिस इज़ प्योरली कि यहां से फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो लोग डायरेक्ट आते हैं। इसका बहुत बड़ा ये फायदा आपको ये है कि लोग फाइवर में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है फाइवर में हम अपना काम जो है आउटसोर्स कर सकते हैं। बस यही सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आपके तरक्की का बोलो या फिर ग्रोथ का बोलो या बहुत पैसा कमाने का, यही होता है। लोग फाइवर में आते ही फुल इंटेंट के साथ है कि उनको एक फ्रीलांसर चाहिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल फाइवर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आता और काम उनको मिल जाता है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है गाइस। यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं एज अ फ्रीलांसर कि आपको काम मिलना मुश्किल है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पर कंपटीशन दिखा देता हूं क्या होता है। चलते हैं एक कीवर्ड फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेबसाइट डेवलपिंग आती है और आप सोच रहे हो कि यहां पर आपको काम मिलने वाला है, तो भाई साहब मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो 236849 मतलब 2.5 लाख ऑलमोस्ट जो है फ्रीलांसर्स बैठे हैं जो कि अपना सर्विस देने के लिए रेडी हैं। अब खुद सोचो आपकी बारी कब आएगी, आप नए हो आपकी बारी कब आएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो लोग पुराने हैं और जिनका प्रोफाइल जो है ऑप्टिमाइज है वही टॉप पे रैंक करते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई है अलाइशा 18, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम रिसर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलाइसा का मिनिमम जो बेसिक प्लान है ना वो 12,220 का है एग्जाम्पल, ओके। और ऑलमोस्ट 11,044 लोगों ने तो इनको काम इनसे करवा लिया है, अगेन आई एम रिपीटिंग करवा लिया है। तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं और आंखें भी खोल लेते हैं कि क्या होने वाला है हमारे साथ अगर हमने सही से कर लिया। तो पहले फाइवर के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं मिनिमम मान लूँ 32 ऑर्डर्स तो ऑनलाइन अभी क्यू में है, मतलब इनके हाथ में है, इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया इनका प्रोफाइल है, मतलब ये तो अमीर है, ये मोहतरमा जो भी है ये अमीर है इस टाइम पे। अमीरियत कितनी है वो देख लो गाइस। अगर मैं 14 मिनिमम, इतने क्लाइंट जो हैं इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि रेट सारे नहीं करते हैं ना, तो 114 ने अगर रेट किया तो इतने तो क्लाइंट मिनिमम है। और इन मोहतरमा का जो मिनिमम बेस प्राइस है वो है 1220, मैं बेस प्राइस ही ले लेता हूँ बेस प्राइस। अगर इनका स्टैंडर्ड वगैरह में जाऊँगा बहुत हाई है, ठीक है। 13,95,000 इन्होंने अभी तक फाइवर से अर्न कर लिया है मिनिमम, ये सबसे मिनिमम है। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड के लिए पिच कर ही देती होंगी और प्रीमियम के लिए भी मैक्सिमम कस्टमर्स को पिच कर लेती हैं, क्योंकि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स है ना तो वहाँ पर लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है, पिच कर लेती है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि बेसिक वाला कर लेते हैं, तो भी 14 लाख रुपये उन्होंने फाइवर से अर्न किया है। अब अगर मैं कहीं ना कहीं नोटिस करूँ शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये आपको दिख गया है। अच्छा, ये कब से अवेलेबल है यहाँ पर वो अगर हमें दिख जाए, सो 2015 से अवेलेबल हैं, 2015 से ऑन एंड ऑफ ये अवेलेबल रहते हैं। तो इसका मतलब अब जाके इनका जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज हुआ होगा, क्योंकि 2015 से सिर्फ 1100 काम करना फाइवर में कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो मैं समझ गया कि इनका जो अकाउंट है अभी हाल ही फिलहाल में ऑप्टिमाइज हुआ है, क्योंकि जिनके हाथ में 32 ऑर्डर अभी हैं वो पूरे 2015 से 2022 तक 7 साल में सिर्फ 1100 ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है ऐसा नहीं मान सकता, मतलब डिलीवर किया है। तो इसका मतलब ये अभी जस्ट ऑप्टिमाइज हुआ है। तो यहाँ से कहानी निकल के आती है गाइज, आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसकी भी पूरी मैं तैयारी करके आया हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊंगा और कैसे आप लोगों के लिए ऑर्डर्स इनिशियल वाले लाऊंगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया कि मैं कॉम्पिटिशन की बात पहले कर रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर वेबसाइट लिखा तो इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव नेच जिसके अंदर आपकी बारी आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन ऑप्टिमाइज हो गए तो आप अमीर होने वाले हो। इस तरीके से और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर लोगो लिखूंगा कि आपको लोगो बनाना आता है तो भी गाइज 2,63,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं लोगों के लिए। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टेंट लिखता हूँ तो भी आप देख लो कि कम से कम 50,000 जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो क्या इतने ज़्यादा सर्विसेज में मेरी बारी आएगी, थोड़ा डाउटफुल है, राइट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, जो कि मेरा हाइब्रिड तरीका है गाइस। मेरे पास अगर वेबसाइट की स्किल है ना तो मैं अभी नहीं दिखाने वाला, क्यों? क्योंकि अभी मेरा जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, अभी जो मेरे पास गिग्स नहीं है जो कि लोग ट्रस्ट कर चुके हैं या फिर मुझे रेट कर चुके हैं, तो अभी मैं इन कॉम्पिटिटिव नेच में नहीं जाऊंगा। तो एक काम करते हैं गाइस, आज हाइब्रिड तरीके इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड तरीके को इस्तेमाल करके अपने प्रोफाइल को पहले ना स्ट्रांग बना लेते हैं। कैसे गाइस? मैं कुछ ऐसा तरीका निकाल दूं जिसके अंदर कोई एक ऐसा स्किल मुझे यहां पर मिल जाए जो कि लो कॉम्पिटिटिव है, उस पर सर्विस देना स्टार्ट कर देता हूं। अब वो लो कॉम्पिटिटिव स्किल मेरे लिए क्या हो सकता है, सोचते हैं लेट्स डू वन थिंग। सोचने पे मुझे ये समझ आता है, डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड सर्विसेज दे सकता हूं, और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज अगर मैं SEO लिख के देखता हूं जस्ट एक्सपेरिमेंट, तो देखते हैं कि क्या ये लो कॉम्पिटिटिव हो सकता है, जो कि डेफिनेटली आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। सम हाउ 30,000 मतलब
अभी तक जितने देखे हैं उससे तो कम ही है, 30,000 सर्विसेज। तो 30,000 सर्विसेज भी कुछ ज्यादा मुझे लग रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। कुछ ऐसा मिल जाए जो कि थोड़ा और कम हो तो मुझे मजा आ जाए। तो अब थोड़ा सा डीप एंड डाइविंग करते हैं, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं अंदर जाके। तो मैं मान लेता हूँ कि इससे भी कम ये हो सकता है कि थोड़ा सा और स्पेसिफिक सोचते हैं, लाइक कीवर्ड रिसर्च। ओके, सो लेट्स गो टू द कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च मैं डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, मैं कर सकता हूँ। और कीवर्ड रिसर्च में यस गाइस ओनली 5,400 बहुत कम है, 2,500,000 से या 50,000 से या 50,000 से बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं यहां पर बारी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ मुझे ये नहीं देखना है कि ये लो कंपटीशन है तो इसमें चले जाओ, क्या इसमें लोग कमा पा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। अगर रिसर्च में कामयाब हो गया तो गाइज आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर गिग, मतलब इस नेच में मैं अपना गिग बना दूंगा। लेकिन कैसे, लेट्स डू वन थिंग। जो फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, मतलब इसको अभी जस्ट इसका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना शुरू हुआ है तो इसको टॉप रैंक दिया गया है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। बट मैं देखता हूँ कि हाईएस्ट जो है कितना गया होगा कीवर्ड रिसर्च, ओ ओ ओ 1,000+। गाइज ओपन करते हैं, एक प्रोफाइल मुझे मिला है 1,000+, मतलब इस कीवर्ड पे है भाई। अगर मैं रैंक कर रहा हूँ तो मुझे दे सकता है फाइवर जम के पैसा। 1+ एक और मिल गया गाइज कीवर्ड रिसर्च पे ही, 1,000+ इसमें रेटिंग्स हैं। तो एवरेज जो मुझे दिख रहा है 300 भी हैं, 181 भी है, 5-13 वाले भी लोग हैं जिनको रेट मिलता है। कुछ लोगों को काम बिल्कुल नहीं मिला लेकिन वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लो रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, मतलब लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। अच्छा, तो अब मैं ये 444 वाले भी हैं, आई कैन सी दैट, 116, 762, राइट। अच्छा, तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, 1,000 मतलब है गाइस, लो कॉम्पिटिशन है। देखो मेरा काम बन गया, देखो मेरा काम तो बन गया। अब मैं एक काम करता हूँ गाइस, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको 1,000+ को ओपन करते हैं, एक बार क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद लेट्स सी, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। मोहतरमा हमारी यूनाइटेड स्टेट से हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ओ ओ गाइस, इनको 2,700 टोटल मिला है टोटल, क्योंकि इनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो चुका है। और इन 2,700 में से कीवर्ड रिसर्च वाले, देखा जो मैंने आपको बताया था कि पहले हम अगर लो कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे तो शायद हमारा पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाए और उसके बाद जो भी हम गिग्स बनाएंगे वो हमारा अच्छा खासा बिजनेस ले आएगा, तरीका ये होना चाहिए। और 2017 से मोहतरमा काम कर रही हैं। तो गाइस आइडिया मिल रहा है, मैं आपको लॉन्ग टर्म सिखा रहा हूँ, कोई एक ऐसा नहीं कि हाथ में पैसा लेके दिखा दिया कि 15 दिन में पैसे कमा लो, 15,000 हर महीने कमा लो। डोंट डू दैट गाइज, आई ओनली जस्ट सीरियस अबाउट कि मैं आप लोगों को कैसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस दे सकता हूँ, लॉन्ग टर्म आपका एक करियर बना सकता हूँ। तो फाइवर इज वन ऑफ द बिगेस्ट करियर जो आप बना सकते हो एज एन इंडिविजुअल। बाद में जब बहुत गिग्स आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमने देखा था 32 ऑर्डर इन क्यू, तो क्या वो अकेले 32 ऑर्डर 48 घंटे में या सेट टाइम के अंदर, बताए टाइम के अंदर डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, उनके पास टीम होगी। तो जब आप बड़े हो जाओगे तब टीम कर सकते हो। तो गाइज आइडिया मिल गया मुझे कि मेरे पास एक हाइब्रिड तरीका है कि मैं कीवर्ड रिसर्च को अपना एक गिग बना सकता हूं। लेट्स स्टार्ट इट। तो अब इस पर काम स्टार्ट कर देते हैं, कैसे आगे का फर्दर प्रोसेस करना है वो जल्दी से आप यहां पर सीख लो। तो अब मैं आपको बताऊं, अब आप सोचोगे सर मुझे कीवर्ड रिसर्च तो आता नहीं है। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि आपको एक लो कॉम्पिटिटिव अपना गिग ढूंढना है, स्किल ढूंढना है और उसको फिर लर्न करना है, इसलिए मैंने कीवर्ड रिसर्च लिया था। हो सकता है मैं कुछ और भी ले सकता था, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करना बहुत आसान है आज की डेट में, बहुत आसान है कीवर्ड रिसर्च करने का। सिर्फ एक टूल आपको ना कीवर्ड रिसर्च करके दे सकता है गाइस। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक टूल एज अ बिजनेस एसेट होगा और आपका पूरा बिजनेस चला देगा, वो है सेमरश। सेमरश मैं पर्सनली यूज करता हूँ गाइस, और इस टूल की मदद से आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं ऐसे ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ पाता हूँ जो कि मुझे बहुत इजीली रैंक करा देता है गूगल पे, अगर मैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढ रहा हूँ। और अगर मुझे पेड एड चलाने हैं तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के देता है जो कि उसका एक एल्गोरिथम होता है, आपको वो चलाना आना चाहिए, उसका सेटअप करना आना चाहिए। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के देगा ना जो आपको बहुत आसानी से कम सीपीसी में भी क्लिक्स ला के देता है, ट्रैफिक ला के देता है, कन्वर्जन ला के देता है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी मैं ढूंढ सकता हूं जो कि ई कॉमर्स में मुझे काफी अच्छे कन्वर्जन ला के दे सकता है। मैं लीड अगर पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढ रहा हूं किसी कीवर्ड को कि लीड्स कैसे जनरेट करें, लीड्स के लिए कौन से वो कीवर्ड्स होने चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वो कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, ये सारे मुझे ना विद इन फ्यू मिनट्स ढूंढ के दे देता है। बस आपको सेमरश चलाना आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है वो यही है कि हम सेमरश को आज यूज करना यहां पर सीखेंगे। और सेमरश को यूज करने से पहले गाइस आपको एक और कमाल की चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप फाइबर में अपना वर्चस्व क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, तो आपको एक और बेटर चीज समझाऊं मैं, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आपको फाइबर में ना पूरा होल्ड हो जाएगा आपका, और आप फाइबर को अपने तरीके से यूज करके ना
बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना है आइए चलिए सीखते हैं। जैसे कि गाइज मैं कीवर्ड रिसर्च पे हूँ और इसमें 5485 सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूँ, निच जिसे कहते हैं, बहुत स्पेसिफिक कर दूँ, तो आप देखोगे मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ सेमरश कीवर्ड रिसर्च एंड देन विल एंटर, देन यू विल फाइंड 1061, मतलब और 5 गुना आपका कॉम्पिटिशन जो है वो काम हो गया है। तो अब आप देख रहे हो लोग सेमरश की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने इतना निच कर दिया है, इतना स्पेसिफिक कर दिया है, तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आने बंद हो गए। आप देख रहे हो कि लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं सेमरश कीवर्ड से भी, 313 कीवर्ड्स, एचआरएफ भी है, बट सेमरश के कीवर्ड से लोग अगर ढूंढे तो इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, एज यू कैन सी दैट। ओके सो अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत कम है, लेकिन इट्स ओके क्योंकि आप बहुत नए हो और नए के केस में आपको कंपटीशन में घुसना तो है नहीं, आपको लो कंपटीशन में रहना जहां पर कम काम हो लेकिन प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज होगा। अब डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसका भी तोड़ बताऊंगा कि आपको अगर फर्स्ट डे से फाइवर में डील चाहिए, मतलब आपको अपना प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसका भी तोड़ क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, करने वाले करेंगे नहीं करने वाले, जयराम जी की। तो गाइज अब मैं जल्दी से बता दूं कि हम सेमरश को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ गिग एंड देन उसके बाद मजेदारी। तो इसके लिए गाइज मुझे सेमरश को ओपन करना पड़ेगा। गाइज एक चीज मैं बता दूं, सेमरश एक एक्सपेंसिव टूल है, लेकिन अगर मैं बात करूं सेमरश की तो ये एक बिजनेस एसेट भी है, क्योंकि अब तो आप बिजनेस करने वाले हैं, एक मोमोज वाला भी अपने मोमोज की टपरी लगाता है ताकि वो मोमोज बेच पाए, तो वो भी उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, वो वेसल खरीदना, वो स्टोव खरीदना, ठीक है, ये सब होता है, बिजनेस पे चलता है। तो आपको भी बिजनेस में अगर सेमरश से करना है तो सेमरश खरीदना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना आप प्रैक्टिस के लिए 14 डेज का फ्री ट्रायल जो है वो ले सकते हैं। 14 डेज का फ्री ट्रायल मतलब कि ऑलमोस्ट आधा महीना आपको फ्री मिल जाएगा, जो कि ये कम से कम $100 का आता है, 6-7 हज़ार रुपये का इस टाइम पे, अब तो डॉलर्स महंगे हैं तो हो सकता है 7500 रुपये का हो, लेकिन आधा 3,500-4,000 रुपये की चीज़ जो है आपको फ्री मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मैंने लिंक में डाल दिया है, गो एंड चेक इट राइट नाउ। आपको सिर्फ अपना एक कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, बट उस कार्ड से पेमेंट नहीं होगी, मतलब आपको 14 डेज तक पेमेंट नहीं काटेगा, 14 डेज के बाद पेमेंट काट लेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि अब मुझे इसी को ही बिजनेस बनाना है, तो आप चलने देना, ये कंटिन्यू होता रहेगा, वरना 14 डेज से पहले अगर चाहो तो आप अपने इस सर्विस को डिसकंटिन्यू कर देना, बट अभी 14 डेज का ट्रायल ले लो अभी के अभी और इस प्रोसेस को सीख लो जो कि अभी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सेमरश इज समथिंग बहुत इजी टू लर्न है, अगर आप इसको सीख गए तो मजा आ जाएगा और आपका ये फाइवर वाला बिजनेस जो है ये चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही लो कंपटीशन है और लोग इसमें आके प्रोजेक्ट्स भी देते हैं। अकाउंट ऑप्टिमाइज कर लो इस तरीके से, बाकी उसके बाद आप SEO में आओ, सोशल मीडिया में आओ, आप कॉन्टेंट राइटिंग में आओ, तब तो आपका सारे गिग्स चलने वाले हैं, बिकॉज आपका जो ओवरऑल अकाउंट है वो ऑप्टिमाइज हो चुका होगा। तो जल्दी से आप सीखते हैं अब हम सेमरश को कैसे यूज करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको सेमरश के इस कीवर्ड टूल पे जाना है, यहां पर कीवर्ड रिसर्च आ रहा है आपको दिख रहा है, तो यहां पर एक मैजिक टूल है। अब यहां पर मैक्सिमम लोगों ने आपको देखा होगा कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, वो प्रोवाइड कर रहे हैं 100 हैंड पिक्ड फोकस्ड कीवर्ड्स, मतलब कि अगर कोई आपको प्रोजेक्ट देगा तो वो बोलेगा कि मेरा स्पेसिफिक निच है डिजिटल मार्केटिंग या फिर फूड या फिर ब्लॉगिंग या फिर ट्रैवलिंग, तो आपको बोल देगा कि मुझे इस पे ना कुछ कीवर्ड्स दे दो, फॉर एग्जांपल 100 कीवर्ड्स दे दो, और 100 कीवर्ड्स के लिए आप 1630 रुपए ले रहे हो, मतलब समवेयर अराउंड आप $10 के तकरीबन ले रहे हो, $10, तो आप $10 में ना सेमरश से निकालोगे कीवर्ड्स और उसको एक्सेल फाइल भेज दोगे, लेकिन वो कीवर्ड कैसे निकलेंगे वो आप आज सीख लो। सबसे पहले मान लेते हैं कि आज का मेरा जो निच है जिस पे मेरा एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है फाइवर से, कोई मेरा एक फूड ब्लॉगर है जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया है, उसका पास्ता पे पूरा साइट है, तो पास्ता के लिए मुझे कीवर्ड निकाल के देना है, तो पास्ता के लिए का कीवर्ड निकालना है सिंपल है, प्रोसेस दिखा रहा हूँ समझ लो। सो गाइस आपको यहाँ पर पास्ता लिखना है और यहाँ पर जिस कंट्री का वो ऑडियंस है ये ध्यान रखना, या फिर जिस कंट्री को वो टारगेट करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा मैं US के लिए टारगेट करना चाहता हूँ, मेरा जो ब्लॉग है वो US के लिए रैंक करना चाहिए, तो गाइस तब आप US यहाँ पर लोगे, अगर कह रहा है इंडिया तो इंडिया लोगे, अगर वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया लोगे, ये ध्यान रखना, आपका ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो यहां पर आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन सर्च। अब यहां पर आपको पास्ता से रिलेटेड, यू विल बी शॉक टू सी दैट कि टोटल 24,42,000 कीवर्ड पास्ता से रिलेटेड अवेलेबल है, लेकिन क्या ये 24 लाख कीवर्ड आप उठा के अपने क्लाइंट को दे दोगे, ऐसा नहीं होने वाला ना, और इसमें टोटल जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 3,77,47,540,
तो बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। लेकिन ऐसे ही नहीं होता है कीवर्ड रिसर्च की सारे कीवर्ड मिल गए हैं तो मैं उटाकन को दे दूंगा। उनका यही मेन पर्पस होता है, जो आपको क्लाइंट मिल रहे हैं ना, उनका यही मेन पर्पस होता है कि उनको वो कीवर्ड दो जो आसान हो उनके लिए काम करने में और वो कीवर्ड से उनको फायदा हो। तो फायदा तभी होगा ना जब आप उनके लिए क्या कीवर्ड निकालोगे कि जिस कीवर्ड का कॉम्पिटिशन लो हो और वॉल्यूम हाई हो। एम आई क्लियर? फिर से रिपीट कर देता हूं, कॉम्पिटिशन लो हो और वॉल्यूम हाई हो अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये सबसे आइडल कीवर्ड होता है उनके लिए। और उसको कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अब आप कहोगे एक चीज कि सर क्या सेमरश जो है ये बाय डिफॉल्ट यूएस के लोग नहीं खरीद लेंगे? तो गाइस आप खुद सोचो, ये सेमरश जो है ये 100 और 150 डॉलर्स का आता है मंथली, ठीक है? और वो $10 में अगर आपसे 100 कीवर्ड ले लेगा तो वो ये क्यों बाय करेगा? इसीलिए मेजरली वहां के लोग ना फाइवर में आते हैं और ऐसे ही कुछ फ्रीलांसर्स को पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया मुझे 100 कीवर्ड दे दो, क्योंकि 100 कीवर्ड्स इज ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 महीने का काम हो गया उसका, मिनिमम 2 महीने का तो हो ही गया। 2 महीने में अगर वो खुद सेमरश खरीदता उसको नहीं तो $300 लगते, $300 की जगह उसने सिर्फ $10 में आपसे काम करवा लिया। और यही रूल है, आप देख रहे हो ये डिफरेंस। इस डिफरेंस की वजह से ना लोग भर भर के यहां पर आते हैं और आपको काम दे देते हैं। अब जल्दी से मैं बता दूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको मिनिमम वॉल्यूम सर्च करना है यहां पर 300, तो यहां पर आप लिखोगे 300, क्योंकि वॉल्यूम मिनिमम 300 होना चाहिए किसी भी अच्छे कीवर्ड के लिए। इससे नीचे के वॉल्यूम को आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे नीचे का वॉल्यूम होने का मतलब है कि वो कीवर्ड जो है उसमें ना के बराबर ट्रैफिक जनरेट होता है। ये सबसे ऑप्टिमम नंबर होता है, क्योंकि 10 सर्चेस पर मंथ तो ये ऑप्टिमम है, चलेगा, इसे अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करोगे तो देखोगे आपका 24 लाख जो कीवर्ड थे, 24 लाख, ओके, तो यू कैन सी दैट वो घट के हो गए हैं 15,000। कैन यू सी दैट? 24 लाख से 15,000, ओके? तो इतने कीवर्ड जो हैं वो आपके छट गए, वो ऐसे कीवर्ड से जिनमें ना के बराबर ट्रैफिक आता था। तो ऐसे कीवर्ड को कभी भी कोई टारगेट करने की कोशिश ही नहीं करेगा। और आपके क्लाइंट के साथ भी अगर धोखा होगा कि अगर आपने उस टाइप के कीवर्ड दे दिए जिस पे कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड की क्वालिटी है वो हमने मेट कर ली है, कि हमने वो कीवर्ड ढूंढ ली है जिसका वॉल्यूम जो है एक अच्छा फिगर है, 300 से ऊपर का वो अपना सर्च वॉल्यूम रखता है। अगर वो रैंक करेगा तो अच्छा खासा उसको ट्रैफिक की चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। अच्छा, अब बात करते हैं कि उनको वो कीवर्ड भी तो चाहिए जिसके अंदर कंपटीशन ना हो, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हुआ और उसका वॉल्यूम मिलियंस में भी हुआ तो कोई फायदा है? जैसे कि हमने आज गिग कौन से ढूंढे हैं जिसमें भले ही कम काम हो लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम, क्योंकि हमें वहां पर रैंक होना है। सेम हैपन्स कीवर्ड में होता है। गूगल में इतने लोग काम कर रहे हैं, मतलब गूगल पे इतने लोग काम कर रहे हैं कि हर किसी का अपना पेज रैंक कराना है। बिलियंस ऑफ पेजेस गूगल पे हैं, तो क्या बिलियंस ऑफ पेजेस टॉप 10 में आ जाएंगे? नहीं ना। तो आपको अपने क्लाइंट को हेल्प करना है उन कीवर्ड पे काम करने के लिए जो कि कम कॉम्पिटिटिव हो। उसके लिए आप क्लाइंट को वो कीवर्ड निकाल के दोगे जिसमें कॉम्पिटिशन कम है। आप कॉम्पिटिशन कम करने के लिए अगर मैनुअल करने जाते तो ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत मेहनत वाला काम पड़ जाता। बट आपको क्या करना है, ये कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज ऐसा बढ़िया एल्गोरिथम है सेमरश का, कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज का, कि बाय डिफॉल्ट ना ये अपने डेटाबेस से वो कीवर्ड निकाल के दे देगा जो कि बहुत आसान है रैंक होने में। अब आपको क्या करना है, कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज आपको यहां पर दिख रहा है। तो गाइस आपको ना 1 से लेके 100 तक का कीवर्ड डिफिकल्टी मिलता है परसेंटेज। जो 100 है वो बहुत टफ है और जो 1 है वो बहुत लेस है। तो आपको आइडिया लग गया कि कौन से कीवर्ड आपको लेने चाहिए। वो कीवर्ड जो 1 से लेके 10% के कीवर्ड डिफिकल्टी तक आते हैं वो बहुत ही जबरदस्त लो रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं, मतलब उस पर आप रैंक कर गए समझ लो। तो फॉर एग्जांपल आप जल्दी से आप इस पे जाओ और यहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी मैक्सिमम 10 ले लो, मैक्सिमम 10, ठीक है? तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो गाइस अब आप देखो कि आपके पास कुछ कीवर्ड्स आने वाले हैं। तो गाइस 61 ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिन पे आपका क्लाइंट आराम से रैंक कर सकता है, मतलब दे विल स्टार्ट रैंकिंग। अब आपको क्या करना है, अब अगर उसने इस 61 कीवर्ड्स पे काम करना शुरू कर दिया, अब जरूरी नहीं कि सारे 61 उसके लिए वैलिड हो, अब वो इसमें से ढूंढेगा कौन सा कीवर्ड जो है वो बेकार है। जैसे कि ये एक URL है, लोग पता नहीं इस URL को भी सर्च करते हैं, which is 1600 times सर्च करते हैं, मतलब monthly searches हैं। तो ये URL उसके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो ये उसका कीवर्ड नहीं होगा। For example, ordinary soldier dreams of past, ये past जो है, guys, ये भी ध्यान रखना है, ये past क्या है? I don't know what is this, तो ये भी कीवर्ड उसके काम का नहीं है, ठीक है? Colonel Pompey पास्ता, ठीक है, माई 990,000 पास्ट लाइव्स हेल्प। अच्छा, ये पास्ट जो है ना, ये पास्ता का पास्ट भी हो रहा है। तो अब देखते हैं पास्ता से रिलेटेड कुछ एग्जैक्टली है क्या। आई थिंक नहीं गाइस, पास्ता से रिलेटेड आई थिंक ये जो कीवर्ड है ये एक
बहुत सारे कॉम्बिनेशन का, जैसे ये पेस्ट भी पास्ता के अंदर ये ले रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हम फ्रेज मैच पे जाते हैं। ब्रॉड मैच तो बहुत ही उल्टा पुल्टा हो गया, पास्ता पे जाते हैं, फ्रेज मैच पे। रिक रोल कॉपी पास्ता, ठीक है। अब जो है कीवर्ड कम हो गए हैं, 28 हो गए हैं, क्योंकि फ्रेज मैच चाहिए था मुझे। अब ये देखो पास्ता से रिलेटेड दे रहा है। जब मैं ब्रॉड मैच पे जा रहा था ना गाइज, तो वो ब्रॉड मैच PASTA इन वर्ड के भी ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना रहा था जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो पास्ता इज समथिंग अ फूड, ठीक है, उससे रिलेटेड चाहिए। तो अब आप देख रहे हो ना यहाँ पर पास्ता से रिलेटेड बहुत सारे आपके कीवर्ड्स आ गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेस्टा डी गैलो पास्ता, पास्ता आला स्ट्रोम्बोली, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, क्योंकि अब US से रिलेटेड है तो पास्ता किस चीज़ का हो सकता है, ये आपका ऑडियंस ज़्यादा बेटर जानेगा और आप कीवर्ड रिसर्च उसे करके दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक छोटा सा और चीज़ इंक्लूड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल विल सी पास्ता प्लस कुक, तो विल सी कि क्या निकल के आता है। गाइज नहीं, पास्ता से रिलेटेड कुक नहीं चलेगा यहाँ पर। लेट्स गो विद पास्ता फॉर एग्जाम्पल सैलड, देखते हैं। नहीं, इस वॉल्यूम और इस कॉम्पिटिशन के कॉम्बिनेशन में पास्ता सैलड भी नहीं है। और देख लेते हैं पास्ता रेसिपीज पे चलते हैं, नहीं है। तो गाइज आप देखो पास्ता रेसिपीज इज द राइट कीवर्ड, देखो आपके सामने, अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें आ गई ताकि आप थोड़ा चीज़ों को समझो। ब्रॉड मैच में काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिजल्ट्स आ रहे थे जो कि डेफिनेटली मेरे क्लाइंट को फ़ायदा नहीं देगा। मैंने क्या किया, थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश की कि मैं अपने कीवर्ड पे चेंज करके देखूं, तो मैं फ्रेज मैच पे आ गया। और फ्रेज मैच पे भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा कि क्या वो मेरे ऑडियंस का, मतलब मेरे क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वही है। क्या पता मेरा क्लाइंट पास्ता फूड ब्लॉग लिखना चाहता है और उसको उस तरीके के कीवर्ड्स चाहिए, तो सिर्फ पास्ता लिखा हो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए वो कीवर्ड होंगे। तो इसका मतलब पास्ता रेसिपीज आर द बेस्ट वन जो कि उसके लिए होना चाहिए। तो अब मेरे अकॉर्डिंग जो दिख रहा है कि पास्ता रेसिपी में 300 वॉल्यूम से ज़्यादा और KD10 से नीचे कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ KD को थोड़ा सा बढ़ा के देखने वाला हूँ। तो अब मैं 15 करके देखता हूँ, 15 करके अप्लाई करते हैं। तो गाइस 15 करके भी अप्लाई करके देखा, नहीं, इसका मतलब ये बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। 20 करके देखते हैं अप्लाई, 20 में एक कीवर्ड निकल के आएगा, दैट इज कैटीज पिज्जा एंड पास्ता रेसिपीज। अगेन अब इसके अंदर 390 सर्चेज हैं और KD है 19, फिर भी बहुत ज़्यादा फिजिबल है, इस पर रैंक कर सकते हो। क्योंकि एज पर सेमरश कहता है 29 तक अगर KD है तो अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है आप रैंक कर जाओगे। तो अब देखते हैं, एक कीवर्ड से तो वो मानेगा नहीं क्योंकि मेरी 100 कीवर्ड्स की कमिटमेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखने की कोशिश करूँगा 25 तक कितने कीवर्ड मिलते हैं। 25 तक भी एक ही कीवर्ड रहा, अब मैं इसको मैक्सिमम 29 कर देता हूँ और क्लिक ऑन अप्लाई। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास 6 कीवर्ड आ गए हैं जिसका टोटल वॉल्यूम अगर वो रैंक करना शुरू कर दे फर्स्ट पे और उसको सारे क्लिक्स मिल रहे हैं तो 2200 जो है उसको ट्रैफिक मिल सकता है उसके साइट के लिए। और ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड जो है वो बहुत लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हैं। एम आई क्लियर नाउ? अब आपको क्या करना है, सिंपल। तो गाइज ये 6 कीवर्ड जो है आपको यहाँ पर कर लेने हैं एक्सपोर्ट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट लाइक दिस, तो आपके पास 6 कीवर्ड आ गए हैं, तो पास्ता रेसिपीज के रिलेटेड 6 कीवर्ड आ गए हैं, तो आपने इसे डाउनलोड कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है गाइस, अब आपको इस फिल्टर को लगे रहने देना है और यहां पर पास्ता रेसिपीज की जगह अब आपको ढूंढना है पास्ता सैलड रेसिपी। देखते हैं, नहीं, इस पे कोई कीवर्ड नहीं है, मतलब इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई कीवर्ड नहीं है और यही कॉम्बिनेशन आपका लास्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप KD और बढ़ाओगे नहीं, ठीक है। पास्ता फैगियोली, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, देखो 9 कीवर्ड और मिल गए आपके पास, ठीक है। सो अब देखो ये 9 कीवर्ड भी आप डेफिनेटली इसको कर लो एक्सपोर्ट। द मोमेंट यू विल एक्सपोर्ट इट, तो आपके पास 9 अच्छे 15 कीवर्ड हो गए हैं। इस तरीके से आप एक बार मेंटेन करते हुए चलना है ना, फिर आप यहीं जाओ और इसी से देखो फैगियोली के बाद क्या है, पास्ता फारियन कुछ अगर है, अगर आपको पता है तो ही ये कीवर्ड लेना, वरना आपका जो क्लाइंट है वो बोलेगा यार इसको तो नहीं आता था, मैंने बेकार में किसी गलत बंदे को हायर कर दिया और वो रेटिंग खराब कर देगा। प्लीज़ मेक श्योर ये सारी चीज़ें अपने क्लाइंट के कम्युनिकेशन के साथ आप करना कि आप अपने क्लाइंट को हर चीज़ पूछ रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ ना, क्या ये चीज़ होनी चाहिए थी, तभी वो आपसे सेटिस्फाइड होगा। अब पास्ता कैरबोनारा कोई एक रेसिपी अगर है तो मुझे इस पे 3 कीवर्ड और मिल गए, तो 15 3 18 इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करते हुए चलना है और 100 कीवर्ड्स अपने क्लाइंट के लिए बहुत ज़बरदस्त वाले निकाल के उसको हैंड ओवर कर देना है। तो गाइस ये था सबसे इजीएस्ट वे, आपको कितना टाइम लगेगा पता है इसमें, हार्डली 20 से 30 मिनट अगर बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। लेकिन अगर वो बहुत ही इजी कीवर्ड था, बहुत ही इजी ऐसा नेच था, तो आपको एक ही बार में 100 कीवर्ड मिल जाते हैं, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं होती है और इस तरीके से आपका कीवर्ड रिसर्च जो है वो डन हो जाता है। ओके, आप सोचो आपने
इसका प्रो अकाउंट लिया सेमरश का, जो कि हार्डली आपका आता है $100 का, समवेयर अराउंड 7,500 का, 7,500 का, और आप $10 पे 100 कीवर्ड्स दे रहे हो और आपसे बहुत खुश हैं, आपका जो क्लाइंट है वो आपको रेटिंग भी दे रहा है, तो आपको पता है महीने का कितना आप आराम से यहाँ से प्रोजेक्ट ले सकते हो, कम से कम 20-30 प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। मतलब ये एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ कि अगर सारे खुश हैं और रेटिंग अच्छा दे रहे हैं, आपका जो एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है फाइवर का, तो आप आराम से $10 भी ले रहे हो तो आप 20 अपने क्लाइंट बना लो, तो गाइज आपको $200 की इनकम हो रही है। इसमें खर्चा कितना लगा? सिर्फ $100 आपकी अर्निंग। आप $100 से अर्निंग स्टार्ट करो, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हुए चलो, आप लॉन्ग रन में बहुत जबरदस्त तरीके से फाइवर के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो ये था मेरा वो वन ऑफ द तरीका जिसके अंदर मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए तो वो कैसे करना है। बट अब मैं आपको एक और तरीका इसके नेक्स्ट पड़ाव में मैं बताने वाला हूँ कि अब आपको अगर फर्स्ट डे से फाइवर में अपना ऑडियंस चाहिए या क्लाइंट चाहिए जिसे आप बोल सकते हो, तो वो कैसे मिलेगा। आइए चले शुरू करते हैं। सो गाइज आप हमें क्या करना है, हमें एक गिग बनाना है प्रैक्टिकल राइट नाउ, और गिग बनाने के लिए मुझे हर उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट है वो क्या देखना चाहेगी। अगर वो कीवर्ड रिसर्च के लिए किसी फ्रीलांसर को हायर करने आई है तो वो क्या देखती है, हमें मेजरली इस चीज़ को देखना होता है। तो चलते हैं इस कीवर्ड पे और देखते हैं कि इस कीवर्ड पे जो सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट है वो किसको मिले हैं अभी तक। रेटिंग के बेस पर हम इस चीज़ को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा 313 को अभी मैं लेता हूँ, तो लेट्स क्लिक इट एंड देखते हैं। अच्छा ये दोनों पे कर रहा है, इसने कहा है कि आई विल डू SEMrush and Ahrefs report for you or competitors, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कह रहा है। अब यहाँ पर देख लो ये क्या क्या चीज़ें देने वाला है। You will get full domain overview in PDF, organic research overview, organic search positions, changes in organic position, keyword difficulty, ये सब जो है देख लेना। तो इसका मतलब आपको भी ये सब करना पड़ेगा, ये खास ध्यान रखना है। Competitive होना है guys, market में competition बहुत है, आपको उसको चीरना है। तो इससे बल्कि एक पॉइंट और क्या सोच सकते हो वो सोच लो, इतना तो देना ही है। अब इसके अलावा और देखते हैं क्या है, तो बहुत ज़्यादा इसने नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये शायद $5 से स्टार्ट है, $5, $10 एंड $15, तो ये $3 के इसने यहाँ पर काम दिखा दिए हैं। और अगर मैं देखूँ तो ये बंदा जो है इसका ओवरऑल जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 623 टोटल रिव्यू है इसके पूरे प्रोफाइल के अंदर, है ना, 2018 से ये मेंबर है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब क्या करना है, हमें इस गिग को बनाना है। इसके लिए लेट्स डू वन थिंग, चलते हैं और स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करूंगा, नाउ यू विल बी हैविंग दिस ऑप्शन कि आप हमें बेचना है अपना। तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आपको एक गिग बनाना है, और गिग बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यू नीड टू कम डाउन हियर, गिग्स पे जाओ। गिग्स पे जाने के बाद गाइस क्रिएट अ न्यू गिग, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करो और यहाँ पर आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। ओके इसके लिए अब आप क्या लिखोगे, आई विल डू डिटेल्ड कीवर्ड रिसर्च थ्रू SEMrush। SEMrush कीवर्ड जरूर देना है, मतलब SEMrush वर्ड को आपको जरूर लिखना है, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें निच को फॉलो करना है, मतलब थोड़ा निच स्पेसिफिक रखना है कि जितना ज्यादा लोग ज्यादा स्पेसिफिक ढूंढेंगे कि SEMrush वाले मिल जाए खाली, तो आपका कॉम्पिटिशन लेस हो जाएगा, राइट। तो मैंने SEMrush इसलिए दिया है। इसके अलावा सिलेक्ट कैटेगरी पर आप देखो कहाँ पर जा सकते हो, माइट बी ए डिजिटल मार्केटिंग का ही हो, सब कैटेगरी में देखो क्या है ये, सिलेक्ट कीवर्ड रिसर्च, यस ये SEO के अंदर आया है। इंडस्ट्री देख लो आप किस किस इंडस्ट्री के कीवर्ड आप अच्छी तरीके से सर्च कर सकते हो। जैसे फूड का मुझे अभी प्रॉब्लम हुई थी, आपने देखा कि मैं फूड पे नहीं निकाल पा रहा था कीवर्ड, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पास्ता को किस तरीके के वेरिएशन में लिखा जाता है। लेकिन आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स निकलवाओगे, आप मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स के कीवर्ड निकलवाओगे, या फिर आप मुझसे एफिलिएट मार्केटिंग के कीवर्ड निकलवाओगे, तो आई डेफिनेटली नो ना कि उनके टर्म्स पता है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च ही करने हैं, तो जैसे फैशन पे करना है आपको, आपको एजुकेशन पे करना है, आपको फूड पे करना है, आपको हेल्थ पे करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तो मैं टेम्पररी आपको दिखाने के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ रैंडम, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च टैग्स पे आओ, यहाँ पर आप लिखो कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड सर्च और कीवर्ड टूल और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी जरूर लिखना, और SEO, ठीक है, SEO एक्सपर्ट, SEO पे जाओगे और SEO ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ करना है, ठीक है। तो 5 टैग्स मैक्सिमम देने की आपकी यहाँ पर लिमिटेशन है, आप एक और ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा मैं कीवर्ड से रिलेटेड ज़्यादा कीवर्ड को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करूँ, कीवर्ड टूल हो गया है,
कीवर्ड्स, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू. द मोमेंट आई डू दैट गाइज, यहाँ पर क्या आ गया, इंडस्ट्री. ओके, इसमें क्या आया, मैंडेटरी मेटाडेटा इज मिसिंग. मैंडेटरी मेटाडेटा इज मिसिंग, तो लैंग्वेज इज अ मैंडेटरी मेटाडेटा. इस पर इंग्लिश तो आपको लेना ही लेना है एनी हाउ. सो सर्च फॉर द इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ है गाइज, सो लेट्स डू वन थिंग इंग्लिश, ठीक है, दैट्स इट, देन सेव एंड कंटिन्यू. जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, ये सारे जो ये पॉइंटर्स हैं आपको फिल करते हुए चलना है. फॉर एग्जाम्पल नेम, अ पैकेज बनाने हैं आपको. आपको पता है कि आपको यहाँ पर तीन पैकेजेस बनाने हैं, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, जो जो होता है वो बनाने हैं, और बनाने के बाद आपको इसको फाइल कर लेना है. जैसे आपका गिग बन जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गिग जो है उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर प्लान बना लिया है, लेट्स इसको जल्दी से बना के मैं आपको दिखा देता हूँ. अच्छा गाइज, अब डिस्क्रिप्शन इज समथिंग जहाँ पर आप अच्छा खासा लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 1200 कैरेक्टर्स मिलते हैं. इससे पहले क्या था, हमें सिर्फ कुछ कुछ लाइन में समझाना था, मतलब विद इन 200 कैरेक्टर्स हमें समझाना था कि हम दे क्या रहे हैं, लेकिन अब हमें 1200 कैरेक्टर का एक अच्छा खासा साइज मिलता है, जिसके अंदर हम अपने गिग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. गिग्स को एक्सप्लेन करने के लिए अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ आपको टेम्प्रेरी तरीके से इसको लिख के दिखाऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिश इट, मैं डेफिनेटली इसको नहीं करने वाला, आप लोगों को पता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब इट लाइक दिस. ठीक है, डन है, ये भी बना लिया आपने. एंड देन इसके बाद ऑडियंस से क्या क्वेश्चन पूछोगे, कि ऑडियंस को क्या चाहिए और कैसे बताएगा, और आपको कैसे पता लगेगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप ऑडियंस से यहाँ पर पूछ सकते हो लाइक दिस. ये वो टाइप क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन जो आपको ऑडियंस से पूछना है. आर यू सर्चिंग फॉर SEO और PPC, that's it. ये क्वेश्चन हो सकता है फ्री टेक्स्ट, मतलब ऑडियंस को ये ऑप्शन मिलेगा कि उसका आंसर दे सकता है कि वो कीवर्ड SEO के लिए ढूंढ रहा है या PPC के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि दोनों के अलग अलग कीवर्ड रिसर्च होंगे. ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हो गया कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. अब और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर, आर यू रनिंग इफ फॉर SEO, वट टाइप ऑफ वेबसाइट यू हैव, वट टाइप ऑफ वेबसाइट यू हैव. अब इसमें मैं कुछ ऑप्शन दे सकता हूँ, मल्टीपल चॉइस, जैसे कि एग्जाम्पल ब्लॉगिंग, क्या वो ब्लॉगिंग के लिए मुझसे कीवर्ड रिसर्च कराएगा, या फिर ई कॉमर्स, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग. गाइज एफिलिएट मार्केटिंग का जो कीवर्ड रिसर्च है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के कीवर्ड रिसर्च मुझसे सीखनी है, तो आप इस संडे सुबह वेबिनार को मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, इस संडे सुबह 11 बजे. लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम जब प्रोजेक्ट लेते हैं तब हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं, क्योंकि हम भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और हमारा भी अधिकार है कि हम ये चूज करें कि हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट लेना चाहिए. क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हो और उसको डिलीवर कर दोगे. आपको कुछ ऐसे जो कीवर्ड्स होंगे वो फॉर एग्जाम्पल नहीं आपको समझ आ रहे हैं, तो आप कैसे वो ले लोगे. आप ई कॉमर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते, आपको नहीं पता. ये मत समझना कि केडी और वॉल्यूम निकाल दिया तो ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग ये सब सेम हो जाता है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हर इंडस्ट्री के, हर जॉनर के अलग अलग तरीके के कीवर्ड रिसर्च होते हैं, और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर वही करना है. तो अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह आप डाल सकते हैं. अभी मेरे पास फिलहाल कोई इमेजेस नहीं है, तो मैं इसको नहीं डाल सकता. रूल्स वगैरह यहाँ पर आप पढ़ लेना, एंड देन इसके बाद आप इसको यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हैं. इमेज डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू. जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम आपको एक इमेज डालना है, तो कोई भी आप इमेज डाल देना, इसके बाद आप पब्लिश कर देना. जैसे आप पब्लिश कर दोगे, आपका गिग तैयार हो जाएगा. गिग तैयार हो जाएगा मतलब वो एक रिव्यू के लिए जाएगा, और रिव्यू के बाद फिर वो अगर अप्रूव हो गया तो आपका गिग तैयार हो जाएगा. गिग तैयार होने के बाद आपको जो करना है, इंतज़ार. लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, आपको इंतजार से भी बेटर एक चीज़ है. मैं आज आपको एक बहुत सही तरीका बताता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट डे से यहाँ पर अपना क्लाइंट चाहिए, और यू कैन से दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपको एक तरीका मैं यहाँ पर सुझा सकता हूँ, मतलब आपको ऐसा सुझाव दे सकता हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली करना. उसके लिए चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, और इस पड़ाव में हम सीखेंगे कि कैसे हमें फर्स्ट डे से कोशिश करनी है कि फाइवर में हमें प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए. अब मैं आपको बता दूँ, देखो अगर चीज़ें ऑर्गेनिक होंगी तो दैट विल टेक टाइम. तो मैं यहाँ पर एक हाइब्रिड, अगेन हाइब्रिड सॉल्यूशन इस दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है. हाइब्रिड मतलब कि हम अब थोड़ा सा अमाउंट ना एड चलाने वाले हैं. किस पे चलाना है एड गाइज, गूगल पे जाके.
अब गूगल पे हम फाइवर के लिए क्या ऐड चला सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। सो गाइस, उसके लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा फाइवर पॉलिसी। तो फाइवर पॉलिसी के अकॉर्डिंग गूगल पे ऐड चलाना मना है, सख्त मना है। तो अब आप बोलोगे कि फिर मैं कैसे आपको अलाउ कर सकता हूँ या फिर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ऐड चलाओ, क्योंकि यहाँ पर आप साफ लिखा है सेलर्स मे नॉट प्रमोट देयर गिग्स ऑन एनी फाइवर कंटेंट वाया द गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना, साफ लिखा हुआ है। जैसे कि बाकी और एफिलिएट प्रोग्राम्स की तरह यहाँ पर भी साफ है कि आप ऐड चला के डायरेक्ट प्रोग्राम पे किसी को नहीं भेज सकते। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि मैं अपना एक लैंडिंग पेज बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, जो कि मेरे पोर्टफोलियो को दिखाएगा कि मैं एक SEO ऑप्टिमाइजर हूँ या फिर मैं एक कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट हूँ। उसका मैं एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा और उस लैंडिंग पेज में मैं लीड जनरेट करूंगा। अगेन, लीड जैसे ही जनरेट होगी वो सीधा बंदा फाइवर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर मैं अपने लीड बटन पे जो हमारा कॉल टू एक्शन होगा उस पर मैं एक रीडायरेक्शन लगा दूंगा, जो कि मेरे पास उस बंदे का डिटेल भी आ गया। अगर डायरेक्ट मैं उसको फाइवर में भेजता तो क्या होता कि मुझे डिटेल नहीं मिलता। अब उस बंदे का मेरे पास डिटेल भी है, मतलब उसका ईमेल आईडी और नाम आ गया है और वो अब फाइवर में पहुंच गया। अब फाइवर में जैसे वो पहुंच जाएगा ना, तो एक और फायदा ये हो जाएगा कि उसको और ट्रस्ट हो जाएगा। आया था वो गूगल में सर्च करने, बट फाइवर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो देखेगा अच्छा इसकी सर्विस फाइवर में अवेलेबल है तो मैं फाइवर से ही लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है, मतलब जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है फ्रीलांसर को हायर करने की, वो फाइवर में ज्यादा होती है, ना कि डायरेक्ट किसी बंदे को अप्रोच करने की, है ना। तो यहाँ पर उसका ट्रस्ट गेन भी हो गया और आपके पास उसका डेटा भी आ गया। अब आप उसे फॉलोअप करके अपना आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको अपने फाइवर प्रोफाइल को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है, इसीलिए कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क जो है आप डायरेक्ट किसी भी ऑडियंस से मत लो, आप फाइवर के थ्रू लो, क्योंकि फाइवर एक बार आपका ऑप्टिमाइज हो गया ना, फिर आपको जिंदगी भर ना कभी भी एड वैड चला के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एग्जांपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपना सेमरश ओपन करता हूं और यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेट्स गो टू द मैजिक टूल और यहां पर कुछ मैजिक कीवर्ड्स निकालने वाले हैं हम, हमारे जिस पे एड चलाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू, क्योंकि मैं ये यूएस में एड चलाऊंगा, तो मैं कुछ कीवर्ड ढूंढ लेता हूं कि किस कीवर्ड पे हमें एड चलाना चाहिए। कैसे ढूंढते हैं कीवर्ड आप जान लो, सो दैट आपको भी हेल्प हो जाए इस चीज की। यूएस में मैं यहां पर लिखूंगा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जैसे ही मैं लिखता हूं यहां पर, तो गाइज अब आपके पास है 5152 कीवर्ड, 5152 कीवर्ड्स। अब ये 5152 कीवर्ड्स पे आपको ऐड चलाना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम ऐड चलाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था वो ऑर्गेनिक था, यहां पर हम ऐड चलाने की बात कर रहे हैं, तो हम 5152 कीवर्ड्स पे ऐड नहीं चलाएंगे, तो हम यहां पर एक फिल्टर लगाएंगे। यहां पर केडी फिल्टर काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के लिए होता है। ओके, तो हर फिल्टर का अपना एक नियम है, इसीलिए मैं आपको बता दूं। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, सीपीसी पे आओगे और कोशिश करोगे कि आपका सीपीसी जो है ना मैक्सिमम 0.5 हो। क्यों? मतलब 50 सेंट्स, मतलब समवेयर अराउंड इंडिया के करेंसी के अकॉर्डिंग एक क्लिक होना चाहिए 30 से 40 रुपए तक, इतना ज्यादा नहीं। जब इसको आप अप्लाई करोगे, अब इसको हम अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वो 5000 कीवर्ड्स घट के हो गए हैं 4370 कीवर्ड। कैन यू सी दैट? अच्छा, अब इस कीवर्ड पे जब हमें देख रहा है कि हमारे पास इतने कीवर्ड है, तो हम थोड़ा सा और इस चीज को रिफाइन कर देते हैं। अब 0.4 करके देखते हैं। अब आते हैं हमारे पास, अभी भी हमारे पास हजारों कीवर्ड हैं, तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, हम इसको कर लेते हैं 0.1, मतलब दैट इज 10 सेंट्स। तो 10 सेंट्स पे देखते हैं, सेम, इसका मतलब हमारा जो सीपीसी है इस कीवर्ड को लेके बहुत ज्यादा कम है। तो गाइस यहां पर आ गए मजे आपके, बहुत ज़्यादा मजे आ गए। अब इन कीवर्ड को करो टारगेट, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाना है। ये 4370 कीवर्ड्स पे तो काम करने से रहे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है काम करना। इसमें से बहुत सारे कीवर्ड होंगे जो हमारे काम के नहीं है। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल ऑस्ट्रेलिया किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप यूएस के बंदों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। गूगल एड्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग एसईओ कीवर्ड रिसर्च फोरम्स, ओके, कीवर्ड फॉर रिसर्च, ओके, व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च ऑनलाइन द कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च एंड कंपैरेटर एनालिसिस। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है गाइस, कीवर्ड रिसर्च एंड कंपैरेटर एनालिसिस। इसमें आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, तो आप इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लो। इस तरीके से आप और भी कीवर्ड को देख सकते हो यहाँ पर, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च एजेंसी, बहुत जबरदस्त कीवर्ड हो सकता है ये। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर बंदा ढूंढ ही रहा है कि ऐसी एजेंसी मिल जाए उसको कि जिसको वो हायर कर ले अपने कीवर्ड को रिसर्च कराने के लिए। ओके, कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, ओके, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च टूल, इसको सिलेक्ट कर लो। कीवर्ड रिसर्च ट्रिक्स, ठीक है,
और देख लेते हैं Ahrefs कीवर्ड रिसर्च फ्री। अब ये फ्री है लेकिन ले लो टारगेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम करने क्या वाले हैं बताऊं आपको गाइस, अब हम इन कीवर्ड पे एड चलाएंगे। और एड क्या चलाएंगे कि हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, क्योंकि इन कीवर्ड पे जो सीपीसी है बहुत कम है, बहुत कम। और आपका अगर ऑडियंस आपके एड को क्लिक कर रहा है और वो आपके लैंडिंग पेज पे जा रहा है जो कि अभी हम बनाने वाले हैं, उस लैंडिंग पेज पे अगर वो जाएगा और वहां पर उसको दिखेगा कि आप उसको फ्री में जो है वो कीवर्ड रिसर्च करके दोगे, तो वो डेफिनेटली आपका लीड जनरेट करने वाला है, मतलब आपके उस फॉर्म पे क्लिक करने वाला है। जैसे वो फॉर्म पे क्लिक करेगा ना, तो अब आपके पास लीड आ गई। अब लीड में आप उसे मेल भेज सकते हो कि हम आपको फ्री में कीवर्ड रिसर्च करके देंगे, लेकिन उसके लिए आपको फाइबर में हमारे गिग्स के थ्रू आना पड़ेगा। अब वो रेडी हो जाएगा क्योंकि वो फाइबर के गिग्स में जाएगा और आपको वहां से एक प्रोजेक्ट दे देगा। अब उस प्रोजेक्ट में ना आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट रखना है, विच इज $5। अब वो कहेगा मैं $5 क्यों पे करूं, तब आप बोलोगे कि $5 आपको नहीं पे करने हैं, आप सिंपल एक काम करो, आप वहां पर मुझे प्रोजेक्ट दे दो और मैं वहीं डिलीवरी करूंगा और आपको वहां पर मुझे 5-star रेटिंग देनी है। और जैसे ही 5-star मिल जाए आप उसे यहां से, ये सीक्रेट है गाइस, मतलब इसको ऑफिशियली नहीं बोला जा सकता लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप यहां से उसको जैसे भी मैनेज कर सकते हो वो आप कर लेना, समझ रहे हो आप। तो आप इससे क्या करोगे, बहुत सारे इनिशियल क्लाइंट्स जो हैं फाइवर के थ्रू प्रोजेक्ट डिलीवरी करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब गाइस हम सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं, ये थी पूरी फंडामेंटल और थ्योरी की आप फर्स्ट डे से कैसे फाइवर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और प्रोजेक्ट ला सकते हो। तो अब आप जाएंगे sites.google.com, यहां पर जाके हम लैंडिंग पेज बनाएंगे। लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, लेट्स गो हियर एंड एक नया लैंडिंग पेज बनाते हैं एज अ पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यहां पर वापस जाके टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, लेट्स डू वन थिंग, यहां पर जाके आप पोर्टफोलियो, क्योंकि आप एक फ्रीलांसर हो ना, फ्रीलांसर का पोर्टफोलियो होना चाहिए। सो यहां पर आप देखो इवेंट टीम पोर्टल प्रोजेक्ट हेल्प सेंटर ओके डॉग वॉकर फोटो पोर्टफोलियो रेस्टोरेंट सैलून पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो को जरूर यूज कर सकते हो। पोर्टफोलियो जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहां पर, तब आप के पास एक प्रीबिल्ट टेम्पलेट आ जाएगा, उस प्रीबिल्ट टेम्पलेट पे आप यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकते हो, जैसे हाय आई एम डैश रोल फ्रॉम लोकेशन, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू दैट, आप यहाँ पर लिखो आई एम, फॉर एग्जांपल आई एम रॉय, शॉर्ट फॉर्म देता हूँ क्योंकि ऋषिकेश रॉय पता नहीं उनको समझ आएगा नहीं आएगा, अ कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट, कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। आप यहां पर अपनी फोटो आप जरूर देना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे केस में है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको डबल टैप सॉरी इसको क्लिक करके मैं यहां पर एक इमेज अपलोड कर सकता हूं लाइक दिस। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई इमेज होगी तो डेफिनेटली आई कैन यूज दैट इमेज लाइक दिस, अपलोड कर दो और इसको इस जगह पर सॉरी पहले इसको डिलीट करता हूं मैं एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दिस इमेज हियर, ठीक है। अभी इमेज को थोड़ा बड़ा करना है, आप बड़ा कर दो जितना पहले था लाइक दिस, ओके। सो गाइज अब थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर लूंगा, नाउ दिस विल बिकम यू माई फर्स्ट इमेज, ठीक है। हाई आई एम रॉय अ कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया के लोगों को काम देना US UK वालों को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उनको पता है कि ये लोग स्किल्डफुल हैं और सस्ते भी हैं, तो वो आपको काम दे देंगे क्योंकि इंडिया पे ट्रस्ट है उनको। अच्छा अब सिलेक्टेड वर्क, आपका वर्क क्या है, वॉट आई डू एज अ फ्री लांसर, मैं एज अ फ्रीलांसर क्या क्या करता हूँ उसकी लिस्ट आप यहाँ पर दे दोगे राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दोगे SEO देन कीवर्ड रिसर्च और यहाँ पर आप दोगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी सेमरश में बहुत इजी तरीके से हो जाता है दोस्तों, अगर आपको चाहिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो तो आप मुझे जल्दी कमेंट में बताओ और लाइक कर दो अभी के अभी और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। ऐसे आप बहुत सारे अपने जो इमेज के साथ अपने जो स्किल्स हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दो, लेकिन कोशिश करना कि आपके जो स्किल हो ना वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के ही हों। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि मैं फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग भी कर लेता हूँ, मैं स्विमिंग अच्छी कर लेता हूँ, ये सब नहीं, आपको सिर्फ वो बताने हैं ताकि वो आपको स्पेशलिस्ट माने इस चीज़ का कि आप अच्छा कीवर्ड रिसर्च इसलिए कर लोगे क्योंकि वगैरह वगैरह सीन यहाँ पर है। अच्छा गेट इन टच विद में आप अपना ईमेल एड्रेस जरूर दे सकते हो यहाँ पर, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है ओके। इससे क्या होगा, वो बंदा आपको ईमेल कर सकता है फॉर दिस
है ना। एंड देन अब नीचे आपको क्या देना है गाइज, नीचे आपको देना है फॉर्म। तो फॉर्म के लिए लेट्स गो एंड सी अ फॉर्म इफ इट इज अवेलेबल। फॉर्म्स अवेलेबल है तो आप फॉर्म को बनाओ यहाँ पर सबसे पहले एक लाइक दिस फॉर्म। पहले आपको गूगल फॉर्म्स पर जाके बना लेना पड़ेगा और वो यहाँ पर आप मान के चलो, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको देना है, सिलेक्ट कर ले दो फॉर्म आ गया गाइज। अब इस फॉर्म को आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपल, अब फॉर्म बना लिया गाइज आपने यहाँ पर सिंपल दे दिया। अब इस फॉर्म को जैसे वो सबमिट करेगा ना तो वो आपके लिए लीड काउंट हो जाएगी। बस आप इसे पब्लिश कर दो और पब्लिश करने के बाद जो लिंक आपका फाइनल बन के आएगा वो लिंक आपके लैंडिंग पेज का होगा। अब आप ऐड चलाओगे, ऐड चलाने के लिए गाइज आप सिंपल क्या करोगे, यू विल गो टू। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको बहुत सिंपल दिखाई है बना के, ऐसा नहीं कि आपको इतना सिंपल छोड़ देना है, क्योंकि मैं आपको स्किल बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन इसको कितना क्रिएटिव बनाओगे ये आपको ध्यान रखना है, ये आप चीज़ देखोगे ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज की प्रमोशन और मार्केटिंग शुरू कर देनी है। कहाँ पर, google.com पे। किस कीवर्ड पे, इन कीवर्ड्स पे, जो कीवर्ड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे। अब इन कीवर्ड को आप यहाँ से या तो कॉपी कर लो या एक्सपोर्ट कर लो लाइक दिस, है ना। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए, 6 सिलेक्टेड कीवर्ड्स अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिए, देन आपको यहाँ पर जाना है, साइन इन करना है अपना गूगल ऐड अकाउंट, अगर नहीं है तो बना लेना। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या यहाँ पर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स गो टू क्रिएट अ कैंपेन, कैंपेन को क्रिएट करते हैं, न्यू कैंपेन पे आप यहाँ पर करो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गोल्स गाइडेंस। अभी गोल नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ऑडियंस टारगेट करना है कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आपके उस लैंडिंग पेज पे आ जाए। सर्च करो, सर्च को सेलेक्ट करने के बाद ही हम यहाँ पर आ जाते हैं कि आप यहाँ से कौन सा गोल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ऐड चलाते हैं ना तो गोल बनाना पड़ता है, तो हमें गोल की यहाँ पर जरूरत तो है नहीं क्योंकि हम गोल ले ही नहीं रहे। इसके बाद सीधा सिंपल आपको वेबसाइट विजिट सेलेक्ट करना है और इस लैंडिंग पेज का जो भी आपका URL बन के आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पब्लिश करके आपको बताता हूँ। तो जैसे पब्लिश हो गया तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम देता हूँ यहाँ पर ऋषिकेश रॉय, लेट्स सी, ठीक है पब्लिश कर दिया मैंने। जैसे मैं पब्लिश करूँगा सो इट विल गिव मी अ व्यू पे क्लिक करते हैं। सो गाइज अब आपके पास ये है आपका लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज बन गया गाइज, देख रहे हो आप, ये लैंडिंग पेज बन गया, अब फ्री में लैंडिंग पेज भी बन गया। अब आपको सिंपल इस लैंडिंग पेज का यहाँ पर करना है प्रमोशन, सिंपल ओके। देन कैंपेन का नाम रख दो आप फाइबर, क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कन्वर्जन, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, ठीक है आप कन्वर्जन कर सकते हो बट मैं कहूँगा आप इसमें क्लिक्स कर दो फिलहाल के लिए क्लिक्स। देन कम डाउन कन्वर्जन, क्योंकि क्या होगा नए अकाउंट में कन्वर्जन आपका जो ऑप्टिमाइज नहीं है तो हो सकता है आपका रीच भी बहुत कम हो जाए, तो इसलिए आप इनिशियल डेज में क्लिक्स ही लिया करो। अच्छा डिस्प्ले नेटवर्क को बिल्कुल नहीं आपको सिलेक्ट करना है, आपको इसको अनचेक कर देना है। एंड देन आपको साफ साफ यहाँ पर एंटर अनदर लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स साफ साफ, मतलब क्योंकि आपको फाइवर से ऑडियंस चाहिए तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स में ही मिलने वाले हैं लाइक दिस एज अ होल कंट्री। देन नीचे आओ, अच्छा लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होने वाली है, ये तो ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट में कुछ नहीं करना है आपको गाइज, ऑडियंस सेगमेंट्स और मोर सेटिंग्स को आप हटा देना, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आ जाता है कीवर्ड्स, अब ये वो कीवर्ड्स होने वाले हैं जो कि आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किए होंगे ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी यहाँ से ले लूँ, जस्ट आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ लाइक दिस ओके। सो जो कीवर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे हो। देन सीधा एड्स, एड्स बनाने के लिए गाइस फाइनल URL का ध्यान रखना कि फाइनल URL आपका वही URL होना चाहिए जो कि आपको यहाँ से गूगल साइट से मिला है। एंड देन इसके बाद आप पाथ देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हो। और यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, ये सारे आपके हेडलाइन हैं जो कि ये अननेसरी बन चुके हैं ओके। सो ये जो हेडलाइंस है इनको सॉरी ये अननेसरी दे चुका है, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम फ्री कीवर्ड रिसर्च, ठीक है फर्स्ट हेडलाइन हमारा फ्री कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर आ जाना चाहिए, इसको पिन करते हैं और इसको फर्स्ट में रखते हैं फ्री कीवर्ड रिसर्च। क्यों, क्योंकि मुझे इसी बात को बोल के बंदों को अट्रैक्ट करना है, अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, तभी जाके मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा लीड है वो जनरेट होगा, और लीड जनरेट होगा तो मैं फाइवर में उनको भेज के उनसे प्रोजेक्ट लेके आराम से अपने पूरे प्रोफाइल को जो है ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। फ्री कीवर्ड रिसर्च, फ्री कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और 100%
सैटिस्फाइड वर्ग, और ये आपका बन गया गाइस हेडलाइन। हेडलाइन में काफी ज्यादा हुक डाल दिए हैं, फ्री फ्री बोल के हुक बना दिया है, और सैटिस्फाइड काम है ये भी बता दिया है, एंड दैट्स द रीजन अब ये आपको घबराने की यहां पर जरूरत नहीं है। सैटिस्फाइड 100% सैटिस्फाइड वर्ग, आगे और हेडलाइन देने की जरूरत नहीं है, चलेगा इतना। डिस्क्रिप्शन दे देना गाइस, डिस्क्रिप्शन शुड बी ऑफ 90 कैरेक्टर्स। टुडे आई एम इन अ गुड मूड and would like to help you rank your website with my searched rank your website or ads, क्योंकि ad के लिए भी लोग keyword research करने आते हैं, ठीक है। So एक और description दे देते हैं इसके अलावा। I am Hrishikesh Roy will help you rank your ads and website with my researched keywords, ठीक है। तो गाइस अब क्या है, अमेरिकन है ना, थोड़ा सा वो कैजुअल रहना भी ही पसंद करते हैं, मतलब मैंने ये नोटिस किया कि वो कैजुअल रहने में ज्यादा पसंद करते हैं। हे बड़ी, हे पैल, इस तरीके से बात करना, तो मैंने यहाँ पर बहुत कैजुअल एक टोन रखा है। टुडे आई एम इन अ गुड मूड एंड वुड लाइक टू हेल्प यू टू रैंक योर वेबसाइट और एड्स। आई एम ऋषिकेश रॉय विल हेल्प यू रैंक योर एड्स एंड वेबसाइट विद माई रिसर्च्ड कीवर्ड्स। अब इससे क्या हो गया कि फ्री से हुक क्रिएट हो गया, नीचे थोड़ा सा कैजुअल हो गया, तब लोगों को लग रहा है ठीक है क्लिक करके देखते हैं। इससे आपके एड्स, जो एड्स दे रहे हो ना, इसके भी क्लिक्स ऑप्टिमाइज हो जाएंगे और आपको पर क्लिक का जो सीपीसी है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से बंदा आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा, लैंडिंग पेज में भी कंटेंट आपका ऐसा होगा कि हाँ आप उसको हेल्प कर रहे हो फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने में, जिससे वो क्या फील करेगा, ठीक है यार फ्री तो है करके देखते हैं, फिर आपको वो लीड जनरेट करेगा। जैसे वो लीड जनरेट करेगा, अब आपको सिर्फ उसको मेल भेज के ये समझाना है कि ये प्रोसेस ये होने वाला है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप फाइवर में जाके मेरा लीस्ट वाला प्लान लोगे जो कि $5 का होने वाला है, $5 वो बंदे पे कर देते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद आप उसे बोलोगे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहां पर जाके मुझे रेटिंग देनी है, मतलब एक तो एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मैंने आपकी सर्विस जो है टाइमली डिलीवर की है, और उस अकॉर्डिंग आपको रेटिंग और कमेंट्स वहां पर मेरे लिए अच्छे देने हैं। आपको सिर्फ ऐसे यहां से 20 क्लाइंट निकालने हैं, दैट्स इट, 20 क्लाइंट। 20 क्लाइंट आप इनिशियल 10 दिन 20 दिन में निकाल लो, और गाइस उसके बाद आप देखना आपका जो फाइवर अकाउंट है वो शूट हो जाएगा इस प्रोसेस से, और 20 दिन के बाद आपको कभी भी ऐसे ऐड चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इनिशियल डेज के कुछ हथकंडे होते हैं जो कि आप अपना के ना अपना फाइवर अकाउंट अच्छा खासा ऑप्टिमाइज करके जिंदगी भर इससे कमा सकते हो। अब देखो मैंने कीवर्ड रिसर्च वाला ही एक गिग क्यों बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक टूल की जरूरत है, एक टूल की, और इसके अलावा आपको कुछ और की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ना कुछ बहुत बड़ा कुछ सीखना है, कहीं कोर्स करना या ये करना वो करना, और ना ही इसमें कोई खर्चा है। खर्चा सिर्फ ये है कि वो टूल रिन्यू होगा, और रिन्यू का भी पैसा यही क्लाइंट देने वाले हैं, क्योंकि आपको हर महीने अगर 30 क्लाइंट भी मिल जाते हैं जो कि आपको $5 देके जा रहे हैं, तो गाइस तो भी आपका रिन्यू हो जा रहा है आपका जो ये मेन सेमरश अकाउंट है। तो गाइस इससे और बेहतरीन चीज क्या हो सकती है, सो जल्दी से आप एक काम करो, आपको मैंने 14 डेज का फ्री ट्रायल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको अभी जाके ना अपना कार्ड यूज करके, फ्री है, सिर्फ कार्ड वो मांगते हैं कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो, कार्ड यूज करो 14 डेज के फ्री ट्रायल में, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं कीवर्ड रिसर्च के वो करना शुरू कर दो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, और इसके बाद आप इस प्रोसेस को भी अपना लो जो मैंने यहाँ पर बताया है। तो गाइज ये था मेरी तरफ से पूरा फाइवर का एक कोर्स, और इस कोर्स में मैंने आपको हर वो चीज़ बता दिया है स्टेप बाय स्टेप आपको, जिसमें फाइवर में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, बहुत सीक्रेटिव तरीके से मैंने ये बताया है। आज तक पूरे YouTube कम्युनिटी में आप देखोगे कि इस टाइप का आपको फाइवर में किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं की होगी, बट मैंने की है, तो मेरे लिए एक एप्रिसिएशन आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, कमेंट में लिख के बता सकते हो कि कैसा लगा आज का ये सेशन, क्या मुझे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे भी बनाते रहने चाहिए या नहीं, आप मुझे अपना एक एप्रिसिएशन देके इस चीज़ को रिवील कर सकते हो। बाकी लाइक मत करना भूलना, क्योंकि उससे मोटिवेशन अप होता है, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए कंटिन्यूस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तब तक के लिए गाइज हैव अ नाइस डे, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।